क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए? जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं। विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? गवर्नर कहता है मेरे को ये कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। हम लोगों ने चाइना से $65 बिलियन का सामान खरीदा, $65 बिलियन का सामान खरीदा 2020 में, और 2021 में हमने $95 बिलियन का सामान खरीदा, 50% बढ़ा दिया। हम तो चाइना को और अमीर बनाते जा रहे हैं, उनसे और सामान खरीद रहे हैं, उनको और पैसा दे रहे हैं, हमारे ही पैसे से वो और हथियार खरीद रहे हैं, और सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं, और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। अगर किसी से झगड़ा हो तो हम उससे और सामान थोड़ी खरीदेंगे, और ज्यादा सामान थोड़ी खरीदेंगे। और क्या खरीद रहे हैं हम चाइना से? चप्पल खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, गद्दे खरीद रहे हैं, कुशन खरीद रहे हैं, चश्मे खरीद रहे हैं। ये सारी चीजें तो हम भी बना सकते हैं, हमारे देश में ज्यादा अच्छी बन सकती है। जितनी चप्पल हम, जूते, जितने गद्दे उनसे खरीदते हैं, कुशन खरीदते हैं, चश्मे खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदते हैं, आप ये मान के चलो कि उतना ये सामान हमारे भारत में कम बनता है। अगर अपने भारत के अंदर हम ये सारा सामान क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे भारत में क्या कमी है? चप्पलें खूब बनती हैं, और बननी चाहिए। गद्दे खूब बनते हैं, कुशन खूब बनते हैं, तकिया खूब बनते हैं, मूर्तियां खूब बनती हैं, खिलौने खूब बनते हैं। ये ऐसा सामान तो है नहीं कि हमने, हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते? खूब बन सकते हैं। और अगर हमारे देश में यह सारा सामान बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हम अपना सारा काम, एक तरह से अपने बच्चों की सारी नौकरियां, सारे रोजगार चाइना के लोगों को देते जा रहे हैं। अपने लोगों को अगर हम मौका दें, सारा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके, अपने व्यापारियों को, अपने उद्योगपतियों को अगर मौका दें, सारी सुविधाएं दें, तो हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर बना सकते हैं, और अपने हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं को एक तरफ नौकरी मिलेगी, और चाइना को कड़ा संदेश जाएगा कि हमें तुम्हारे सामान की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाओ वरना तुम्हें हम मजा चखा सकते हैं। एक तरफ अपने ही देश के पिछले 4-5-6 सालों के अंदर 12 लाख व्यापारी, उद्योगपति अपना देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के बाहर चले गए, अपनी व्यवस्था से परेशान होके, अपनी एजेंसी से परेशान होके, अपने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हमने इतना दुखी कर रखा है, इतने तंग आ चुके हैं अपने देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति के, अपने देश में धंधा करना मुश्किल हो गया, लोग छोड़ के भारत छोड़ के जा रहे हैं। 12 लाख लोग पिछले 5 साल के अंदर भारत छोड़ के चले गए। अपने लोगों को, भारत के लोगों को तो हम बाहर भगा रहे हैं, और चाइना से सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? भारत को आगे तो भारत के लोग ही ले जाएंगे, कोई बाहर से, अमेरिका से या चाइना से आके तो अपने देश को तरक्की नहीं कराएगा। अपने ही देश के लोग अपने ही देश की तरक्की करेंगे। अपने देश के लोगों को बाहर भेजने के लिए मजबूर करने की बजाय ये समय है जब पूरी दुनिया में जितने भारत के लोग हैं, अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि सारी दुनिया के भारत के लोग इंडिया आके और इंडिया की तरक्की करने लगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे 2 चीजों पे गौर करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को, विदेशियों को खदेड़ के बाहर भेज दिया,
और दूसरी तरफ जनतंत्र की स्थापना की हमारी सरकार, हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है, ये देश हमारा, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। जनता सुप्रीम है, 130 करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है, जनता वोट डालती है, वोट डाल के अपनी सरकार चुनती है, वो सरकारें सुप्रीम है, जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं एक राज्य ऐसा है जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं। जो कानून जनता ने पास करे, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास करे, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषाओं को, जनता की कामनाओं को, जनता के कामों को रोक दे? ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक और राज्य, वहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी फलानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के? अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को ये कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं पढ़ता हूं अखबारों के अंदर, जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्यपालों ने वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात है? इसके लिए तो हमने अपने देश की आजादी नहीं ली थी, इसके लिए तो अपने सेनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दिन ब दिन डे टू डे बेसिस पे चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जनतंत्र के ऊपर भी एक डार्क काला साया पड़ता जा रहा है, उसको कैसे निपटा जाए। पूरे देश को इसके बारे में सोचने की जरूरत।